श्री धन्वंतरे नमः। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यूं तो जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, पर डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आदर अभिनंदन आभार नमस्कार सत श्री अकाल आदाब जय श्री कृष्णा हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल यू अमेजिंग पीपल आउट देयर। टुडे आई एक्सटेंड अ वेरी हार्टी एंड वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड मार्किंग दिस इवेंट विद योर ब्यूटिफुल प्रेजेंस। मैं प्रतिभा पांडे आप सभी दर्शकों का वैद्य मित्रम के पूरे परिवार की ओर से आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ आप सभी का आज हमसे जुड़ने के लिए, या यूं कहूं अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजनों का सादर प्रणाम करते हुए आज मैं आपका पुनः परिचय करवाऊंगी हमारे इस कार्यक्रम के आयोजकों से। जी हाँ, क्योंकि आज ये हमारा समापन सत्र है, कंक्लूडिंग सेशन। तो चलिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हमारे बाव ऑर्गेनाइजेशन वुमेन ऑफ विजडम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉर्थ इंडिया का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के द्वारा चलाया जाता है और उनका उद्देश्य है आयुर्वेद का प्रचार एंड प्रसार। साथ ही अर्पण आयुर्वेद फार्मेसी छिंदवाड़ा, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर आशीष पाल सर, आप दोनों ही हमारे इस वैद्य मित्र श्रृंखला के आयोजक रहे हैं और आपके साथ आपके प्रयासों से ही आज हम इस पड़ाव को छू पाए हैं। आपका पुनः इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रतिभा पांडे हार्दिक हृदय की गहराइयों से फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आप दोनों का शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। आपकी वजह से ही यह सफर इतना सुखद और इतना सुहाना रहा है। आपको पता है वैद्य मित्र श्रृंखला का पहला सेशन 17 मई 2020 को हम आपके सामने लेकर आए थे और हमने सोचा कि कोरोना काल में जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा समय है, इसका शास्त्र परिचर्चा करके सदुपयोग किया जाए और आप सभी आयुर्वेद के उभरते हुए सितारे, आप सभी आयुर्वेद के युवा वैद्यों की सहायता के लिए, जो कि हम नॉर्मल अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो कि आप फेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड इस मंच के माध्यम से हमारे बहुत ही अनुभवी वैद्य आपसे निरंतर जुड़े रहे, उन्होंने आकर आपसे अनुभव साझा करें और इसी के साथ आपकी ही रिक्वेस्ट पे इसके अंतर्गत वैद्य मित्र श्रृंखला के अंतर्गत वैद्य मित्र जूनियर नामक एक और श्रृंखला हमने शुरू करी, जिसमें हमने बात करी रिसर्च मेथोडोलॉजीज, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, आयुर्वेद में शोध की। और आप ही के लिए इन दोनों सेशन के बाद कुछ ऐसा सेशन भी हम लेकर आए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाइव डेमो की, जो कि आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, जो कि लाइव डेमो ऑन ब्यूटी सीक्रेट्स हम लेकर आए थे। अब ये तीन धमाकेदार सेशंस के बाद हम लेकर आए हमारे इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव की ओर जब हम अग्रसर हैं, तो हम आपसे मिलवाने लेकर आए हमारे रचनाकारों को। जी हाँ, हमारी इस पिक्चर के डायरेक्टर्स को। तो इसी प्रयास में कल हम आपसे जुड़ी डॉक्टर बबीता शर्मा मैम और आज एक बहुत ही खास शख्सियत आपसे जुड़ने जा रही हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवाऊं, उसके पहले मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ कि ये सत्र, अब आज जो हमारा सत्र होगा उसके बाद आपका हमारे पर्दे के पीछे के सारे कलाकार आज आपसे रूबरू होंगे। जी हाँ, वैद्य मित्रम परिवार आज आपसे मिलेगा, आपसे जुड़ेगा और आपको वैद्य मित्रम की इस श्रृंखला का, चलिए श्रृंखला तो यहाँ समाप्त हो गई पर वैद्य मित्रम परिवार तो है ना, तो वैद्य मित्रम परिवार का नया ठिकाना और पता क्या होगा ये भी आपको पता चलने वाला है। तो इस सत्र के बाद भी आप हमसे जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इस सत्र के बाद मिलेंगी। तो चलिए अब मैं आपका परिचय कराती हूँ हमारी आज की खास शख्सियत से। जी हाँ, हमारे गुरु, हमारे आदरणीय, हमारे प्रिय वैद्य मित्रम परिवार में हमारे सीनियर, हमारे बड़े, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एपीएस चौहान सर की। यहाँ सर अष्टांग शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में इन डिपार्टमेंट ऑफ क्रियाशारी सर प्रोफेसर एज वेल एज HOD है और सर विश्व आयुर्वेद परिषद मध्य प्रदेश शाखा के वाइस प्रेसिडेंट है। सर बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं
और सर को 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जी हाँ, और सर ने इस टीचिंग के दौरान आयुर्वेद जगत को एक से बड़े एक धुरंधर दिए हैं, और इस परिवार में भी ऐसे कई धुरंधर हैं। जी हाँ, और सर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। सर ने बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे अपने आर्टिकल्स दिए हैं, सर ने सेमिनार अटेंड किए हैं, लेक्चर्स दिए हैं। लेकिन मैं सर के बारे में एक बहुत खास बात आपको बताती हूँ। सर का प्रबंधन, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट स्किल, गजब का है। सर मैं बता रही हूँ, सर की जिंदगी मैं आपको दो दो लाइंस में बताती हूँ, सर का जो बिहेवियर मैं बताती हूँ, ठीक है। सर कहते हैं, अपने लफ्जों में मिठास को घुलने दो, ना खुद उदास रहो ना किसी को उदास रहने दो। जी हाँ, सर हमेशा, सर मृदु भाषी, सरल व्यवहार, हमेशा हंसते मुस्कुराते। और सर सर के पास जब भी स्टूडेंट्स जाते हैं, हम सब जाते हैं, हमारे माथे पे कितनी भी शिकन हो, सर यूं मिटा देते। जी हाँ, उनका मैनेजमेंट स्किल टॉप क्लास, बोलते हैं ना जैसे टॉप क्लास का है। और आज मेरा ये मेरे सौभाग्य है, खुश नसीबी है कि सर के ही प्रोग्राम में सर को ही आमंत्रित करने जा रही हूँ। डॉक्टर APS चौहान सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, अब आप हमारे दर्शकों से जुड़िए। फाइनली, पर्दे के पीछे रहकर जब आप हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो आइए और आज हमारे दर्शकों को भी अपने ज्ञान से लाभान्वित करिए सर। थैंक यू प्रतिभा, बहुत सुंदर आपका जो इंट्रोडक्शन का जो पहला पेज वैद्य मित्रम की है, कि बहुत बड़ी हम कहेंगे कि एक खोज वैद्य मित्रम का, जो कार्यक्रम जिसकी रचना की गई, जिसका सृजन किया गया। कहना चाहिए कि जब मंथन होता है तो कुछ न कुछ अमृत निकलता है, तो ऐसे ही अमृत के रूप में आप इस आयुर्वेद समाज को प्राप्त हुई, और ऐसे अनेकों सितारे इस वैद्य मित्रों के माध्यम से हमें मिले हैं, और एक बड़ी उपलब्धि जिसको कह सकते हैं हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे वैद्य मित्रम परिवार के सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, इस अवसर पर स्वागत करता हूँ कि हमने एक वर्ष, एक पूरा एक माह जो है इस वैद्य मित्रम कार्यक्रम को संचालित किया, उसमें आपका बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, और बहुत सारा आपका जो कहना चाहिए कि इस पार्टिसिपेशन हमारे कार्यक्रमों में रहा। इसके लिए मैं इस हमारे संगठन के, इस हमारे मंडल के, हमारे वैद्य मित्रम समूह के वरिष्ठ होने के नाते मैं सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, एक शॉर्ट में एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, एक छोटी सी बात मैं अपनी कहना चाहता हूँ। और चूंकि वैद्य मित्रम की जो कल्पना हुई थी, उसमें हमने कहा ही था कि इंटरनेशनल वेब सीरीज है, और इसमें हमारे राष्ट्रीय देश के अनेक प्रांतों के विशेषज्ञ, और बाहर से भी हमारे नेपाल, इटली और सिंगापुर से भी हमारे विशेषज्ञ इसमें जुड़े थे, जैसा कि आप मिले हो उनसे। तो एक समग्र प्रयास करने की कोशिश हम लोगों ने की थी, तो उसमें हमने आयुर्वेद के अनेक पहलुओं को छूने की कोशिश की। उसमें से एक पहलू और है जिसको हमारे इसमें चर्चा की गई, लेकिन उसकी पुनः आज चूंकि आज इस कार्यक्रम का समापन दिवस है, इसमें मैं पुनः उसकी चर्चा करना चाहता हूँ, और वह है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इन आयुर्वेदा एंड योगा। तो आयुर्वेद और योग में मेंटल हेल्थ के लिए क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, और प्रिवेंशन की बात क्यों कर रहे हैं हम। जैसे हम सामान्य रूप से कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम ज्यादातर, हमारे मन में एक यही एक कंसेप्ट है हमारे, कि हम अपने फिजिकली, हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, कैसा फूड लें, कैसे एक्सरसाइज करें, किस तरह का हमारा सोच विचार हो, किस तरह का हमारा एनवायरमेंट हो, कैसा हमारा वर्किंग प्लेस हो, मतलब हमारा जो टारगेट होता है वो, हम जनरली हमारा फिजिकल हेल्थ, हम देखते हैं हमारा वेट कितना हो गया, कितनी कैलोरी हमने कंज्यूम कर ली, कितनी कैलोरी हम कहना चाहिए अर्न कर ली, और कितनी कैलोरी हमारे स्टोर्ड हो गई, अब उसको कैसे कंज्यूम करेंगे। तो हमारा जो टारगेट ऑर्गन, जो टारगेट जो एरिया होता है हमारा, फिजिकल हेल्थ होता है जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मेरा ये सोचना है कि हमको हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसकी तरफ हमारे हमारे समाज में पहले से ही, आरंभ से हम देखते हैं तो अवेयरनेस की कमी है, एक जागरूकता की, एक कहना चाहिए कि उसके प्रति हमारा जो जानकारी है वो थोड़ी कम है, और हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत देर से कहना चाहिए कि इस बारे में जानकारियां प्राप्त हुई, काफी इग्नोर्ड कहना चाहिए कि ये एरिया रहा जहां पर बहुत काम बहुत देर से शुरू हुआ और उस पर, लेकिन उसको करने की बहुत आवश्यकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अब ये कहता है कि चूंकि अपने वर्ल्ड में जो ज्यादातर जो हमारे जो इन्फेक्शन डिसीजेस है या जो भी जो मेटाबॉलिक जो हमारे डिसऑर्डर्स थे उनका हमने धीरे 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 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर अब आने वाले समय में इसके चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो मेंटल हेल्थ इज ए कमिंग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड हेल्थ टुमारो, तो उसको हमको हमारा जो आयुर्वेद है या हमारा जो इंडियन साइंस है जिसमें आयुर्वेद भी आता है योग भी आता है वो हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, हम किस तरह से उसमें अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, ये मेरा कहने का उद्देश्य है। और आज इसकी आवश्यकता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज इस समय क्यों आवश्यकता है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड ओवर में हम एक महामारी से जो है वो ग्रसित है और पूरा कोरोना ने पूरे वर्ल्ड के कोई ऐसे कंट्री नहीं है जहां पर एक अपना प्रभाव ना छोड़ा हो, कई कई जगह तो बड़ी बड़ी जो है वहां पर हानियां हुई हैं। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक मन में सभी के एक भय एक आशंका एक डर एक पूरा व्याप्त हुआ। इसी तरह से इस डर और इस भय की वजह से आप ये देखोगे कि उसके जो असर है वो आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं और आज के बाद भी जब हम इस एपिसोड से जब हम बाहर आ जाएंगे उसके बाद भी एक लंबे समय तक इसका जो डर है हमारे मन में बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारे मन के ऊपर जो इन्वायरमेंट होता है जो कंडीशंस होती है वो बहुत प्रभाव डालती है, हम कई बार उसे महसूस करते हैं कई बार नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाती है ये भी हमें पता नहीं चलता। तो ये इसलिए हमको इस एरिया में काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोचना है। और विशेष बात यह है कि हमारा साइंस इंडिजिनस हमारा आयुर्वेद और इंडिजिनस हमारा योग ये हमें किस तरह से मदद कर सकता है, क्योंकि हमारे भारतीय एनवायरनमेंट सोशो इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशंस है उसमें हमारे जो साइंस है वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंस हम कहते हैं कि वो हमारे लिए हो सकता है, हमारे लिए ये कार्य कर सकता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये मैंने आज टॉपिक लेकर आया हूँ। ये आप देख रहे हैं ये दो चित्र आपके सामने रख रहा हूँ, इसके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि माइंड जो है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो एक तस्वीर है वो कल की है या परसों की है ऐसा कह सकते हैं, मतलब कहना चाहिए वर्तमान की है जिसमें हम सारा देश जो है उस घटना से दुखी हुआ, और एक जो चित्र है वो हजारों वर्ष पहले की है, हजारों हजारों वर्ष पहले की एक घटना है। लेकिन आप दोनों ही घटनाओं में आप देखेंगे कुछ समानता है, बहुत सारी समानता है। देखेंगे कि हम या दोनों ही जगह चाहे हम इस बॉलीवुड के इस सुपरस्टार की बात करें या उस महाभारत के सुपरस्टार की बात करें, दोनों ही जो है वो अपने फिजिकल अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो जबरदस्त। अर्जुन जो है वो उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धारी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली और उससे ज्यादा लड़ने वाला योद्धा उस काल में जो है वहां उस समय मौजूद नहीं था। उसकी स्थिति देखिए कि वो अपने आप को सारे अस्त्रों को छोड़ करके बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि अब मैं युद्ध में लड़ने में अक्षम हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ और मैं ये लड़ नहीं पाऊंगा। तो वहां पर क्या हुआ उसके साथ में, आप जानते हो कि जो भगवान कृष्ण ने उनको जो बताया वो उसका कहते हैं कि वो गीता जो है वो एक साइकोलॉजी का एक सबसे पहला विज्ञान है, सबसे पहला ग्रंथ है जिसने पूरी दुनिया को आज तक मन की जो हमारी जो शक्तियां हैं, मन की जो हमारी जो परेशानियां हैं, मन की जो हमारी व्यथाएं हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, वे और उनका हल, ये दोनों ही चीजों का इतना सुंदर ग्रंथ जो है आज तक दुनिया में नहीं हुआ, वो उस अवस्था में निकल करके आया। तो कहने का तात्पर्य ये कि अर्जुन जो है उस समय अपने मानसिक परेशानियों से या मन की वजह से अपने शारीरिक शक्तियां होने के बावजूद भी अपने आप को कमजोर और क्षीण फील कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ ये इस स्टार की बात करें तो ये भी सभी तरह से सक्षम होते हुए भी वो मन के अपने जो अवसाद की वजह से जो है वो उसने एक ऐसा कदम उठाया कि हम सब आश्चर्यचकित रह गए, दुखी भी हुए।
वहां फिर दूसरे अगर हम देखें तो वहां भगवान कृष्ण एक काउंसिलर के रूप में अर्जुन के सामने आते हैं और उसको उस अवस्था से बाहर निकाल के ले आते हैं और उसको ये पूरा आभास दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां मौजूद है, तुम सब कुछ कर सकते हो। और वो वहां से बाहर निकल करके आते हैं और फिर वो उनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। लेकिन यहाँ इस स्टार के साथ में एक ट्रेजेडी ये हो जाती है कि इसको वैसा कोई काउंसलर नहीं मिलता है जो उस स्थिति से बाहर लेकर के आ पाए और वो अपने वास्तव वापस अपने पुनः अपनी जो वास्तविकता के साथ में फिर रह सके। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो परेशानी हजारों वर्ष मनुष्य के साथ, हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य के साथ में थी, आज भी वो मौजूद है। इसको हमें, इसका हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी हेल्थ जो होती है वो हमारे बर्थ के साथ में, हमारे जो हमारे माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं, जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो हमारा उसके थ्रू, उसके माध्यम से हमारा हेल्थ जो है वो हमारा स्वास्थ्य उससे बनता है। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, उसको आगे बनाए रखने के लिए हमें फिर बाद में, कुछ समय बाद में, कुछ उम्र के बाद में फिर हमें प्रयास करना होगा, तभी हम उस स्वास्थ्य को बनाए रख पाएंगे। इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य अगर हमारा आरंभ में अच्छा है लेकिन उसको फिर हमको उस पर लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। यही मेरा कहने का उद्देश्य है कि हमें प्राप्त करना है उसको, हमको जो है वो एक्वायर्ड करना होगा, उस हेल्थ को हमको एक्वायर्ड करना होगा। एक्वायर्ड करने के लिए हमको एफर्ट्स करना होंगे। तो ये जो इसका उद्देश्य, अब एक हम आगे बढ़े इसी बात में आगे, तो आयुर्वेद क्या कहता है जो स्वास्थ्य की जो बात कही है, तो एक यूनिवर्सल जो एक कहना चाहिए कि एक्सेप्टेबल जो हमारी डेफिनेशन है हेल्थ की, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से एक हमारे व्यक्तित्व की, हमारी पर्सनालिटी के सारे पहलुओं को जिस परिभाषा ने छू लिया, जिस सारे पहलुओं को जिस परिभाषा ने परिभाषित किया, एक्सप्लेन किया, वो परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने हमें दी हुई है और हम सब जानते हैं कि सम दोषे सम अग्नि वाली जो परिभाषा है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम यहाँ पर जो दूसरी लाइन में जो कहा गया है कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, जो हमारे जो स्वास्थ्य है तभी कंप्लीट है, तभी पूर्ण है जब हमारे जो हमारा मेंटल हेल्थ, जो हमारा इनर जो हेल्थ है वह भी स्वस्थ रहे। दोनों पक्ष स्वस्थ होना जरूरी है, हमारा फिजिकल जो हमें दिखाई देता है और जो हमारा मेंटल जो हम जिसको हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसको हम मेहनत करके जो बनाते हैं या जो उसको मेंटेन करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी हमें मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, तभी जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हम उसको बनाए रख पाएंगे। यह आचार्यों ने बहुत आरंभ में कहा है और उसमें ये सारी चीजें बताई है कि किस तरह से हमारी इमोशनल हेल्थ होती है, कैसे हमारे थॉट लेवल पर, किस तरह से हमारा फिजिकल लेवल और किस तरह से हमारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। इमोशनल लेवल पर अगर हम देखें तो हमारे अंदर सैडनेस, एंजाइटी, गिल्ट, एंगर, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है। थॉट्स में भी अगर हम देखें तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म, इम्पेयर्ड मेमोरी, इंडिसिसिवनेस, कन्फ्यूजन्स, थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, ये हमारे थॉट लेवल पर, ये हमारे वैचारिक स्तर पर इस तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। फिजिकली भी अगर हम देखें, मतलब तकलीफ है मन में लेकिन उसके लक्षण जो है वो फिजिकली आते हैं, और वहां पर हमें क्रोनिक फटीग यानी एक लंबे समय से थकान महसूस होना, लेक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा हमारे अंदर कम लगना, किसी कार्य में करने के लिए हमें वीकनेस लगना, या तो स्लीपिंग बहुत ज्यादा, नींद बहुत ज्यादा आने लग जाए या बहुत कम आने लग जाए, दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो डिप्रेशन में देखने को मिलती है, या तो वेट गेन हो जाए हमें या हमारा वेट लॉस हो जाए, दोनों ही परिस्थितियां देखने को हो सकती है। लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड सब्सटेंस अब्यूज, ये इस तरह से जो है हमारे जो मेंटल हेल्थ के इफेक्ट जो है वो हमारे फिजिकल हेल्थ पर हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बिहेवियरल चेंजेस भी अब देखेंगे हम कि विड्रॉल फ्रॉम अदर्स, मतलब अपने आप को हम दूसरों से अलग रखने के, आइसोलेट करने की आदत हो जाती है, अलग थलग रहना हमें पसंद आने लगता है, हम उसको प्रिफर करने लगते हैं, और नेग्लेक्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ही जो कार्य हैं उनको हम करने से कतराते हैं या करना नहीं चाहते हैं, और उसके बाद में अपने जो पर्सनल अपीयरेंस है उसके अंदर भी कभी कभी आगे चल करके फिर देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इस तरह से इतना ज्यादा डीपर लेवल पर जाकर के हमें प्रभावित करता है जिससे हम अनअवेयर होते हैं, और कई बार हम उस पर ध्यान जाता भी है लेकिन फिर वापस हम उसको सीरियसली ना लेकर के फिर वापस पे इग्नोर करते चले जाते हैं।
और लंबे समय तक जब ये चलता है तो उससे हमारे 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 स्वास्थ्य को जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उससे बाहर भी आ जाते हैं, जैसे कोई कहता है कि कम ऑन, जैसे कम ऑन किसी ने कहा, कम ऑन कहने का तात्पर्य यह है कि सब छोड़ करके वर्तमान में आ जाओ। कम ऑन कहने वाला कोई अगर आपको लाइफ में मिल जाता है कि छोड़ो उसको, हम वापस आते हैं, तो वो उस स्थिति में व्यक्ति जो है अपने उस स्टेज से जो कि एक टेम्पररी है वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहने वाला नहीं है तो लगातार उसी स्टेज में, लगातार जब उस डिप्रेशन में जब वो लंबे समय तक रहता है तो वो उसके उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये एक संभावना जो है वो इसमें बनती है, जिसमें आयुर्वेद में हमको हजारों वर्ष पहले दूसरी शताब्दी में लगभग जो आचार्य सुश्रुत ने ये पूरी परिभाषा दी हुई है। तो हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए? हमने ये तो मान लिया, अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ये भी मान लिया कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के भी ऊपर है, ये बात को हमको मानना होगा। ये हम चूंकि हम ऐसे अनअवेयर है, हमारी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अनअवेयर है, लेकिन वो वास्तविकता यही है जो हमें पता नहीं चलता है लेकिन वो है। तो उसको हमको अब हमने अगर आप ये स्वीकार कर लिया, अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण है और उसका हमें ध्यान देने की जरूरत है, अगर उसमें कहीं कोई हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं या कहीं असुविधा है या कहीं कोई तकलीफ है, तो हम उससे बाहर कैसे आए? तो बाहर आने के लिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास में दो साइंस है, आयुर्वेद साइंस और योग साइंस, ये दोनों विज्ञान जो हमारे आदिकाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में हमारे साथ में भगवान ब्रह्मा ने हमें दिए हुए। तो आयुर्वेद का जो जिस तरह से उद्भव हुआ है, तो वहाँ उन्होंने हमको अगर आयुर्वेद के दृष्टि से जाना चाहे तो हमको त्रिगुण थ्योरी के ऊपर हम काम करते हैं, त्रिगुण थ्योरी के ऊपर हमें सोचना होता है, क्योंकि जो हमारा जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, हम कहते हैं ये हमारा दोष धातु मल से निर्मित शरीर है, ये हमारा पंच महाभूत से निर्मित शरीर है, हम यहाँ कहते हैं कि पंच महाभूत सत्व आत्मा से ये सम्मिलित शरीर है। लेकिन ये जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है या जो हमारा सत्व है, तो ये सब जो जो हमारा जो कंपोजिशन हुआ है, इस कंपोजिशन के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हमको पीछे जाकर के देखना पड़ेगा। कहते हैं ना सृष्टि के पहले क्या था, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा कहते हैं ना, शून्य था। लेकिन हमारा जो शास्त्र है वो कहता है कि वहां शून्य में भी ये त्रिगुण मौजूद थे, मतलब ये कहना चाहिए कि जो उत्पत्ति हुई है सृष्टि की वो इन त्रिगुणों से हुई है, सत्व रज तम जो तीन गुण है उन तीन गुणों से ही आगे चल करके सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और हमारे शरीर के जो दोष बने हैं, चाहे वो हमारे धातुएं बनी हुई है, चाहे हमारे मल बने हुए, सारी जो हमारे शरीर की रचना है वो इन त्रिगुणों से बनी हुई है, और ये त्रिगुण ही वास्तव में हमारे शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको भी मेंटेन करते हैं, जिनको जिसका हमें पता नहीं चलता। लेकिन ये त्रिगुण जो है ये वास्तव में ये हमारे जो है कहना चाहिए कि स्प्रिट है, ये थ्रेड है, ये वो तत्व है जो हमेशा मौजूद रहते हैं, और इन्हीं त्रिगुणों की वजह से ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो मेंटेन किया जाता है। ये इनके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, इनको देखने की आवश्यकता है, इनके लिए हमको एफर्ट्स करने की जरूरत होगी अगर हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। दूसरा जो साइंस है वो है योग साइंस। योग साइंस जो है वो देखा जाए तो पूरी तरह से मानसिक कहना चाहिए कि विज्ञान ही है, एक साइकोलॉजी है। योग को अगर हम कहें तो वास्तव में तो योग जो है वो एक साइकोलॉजी है, जिसके अंदर चाहे वो पतंजलि हो, चाहे योग वशिष्ठ हो, चाहे कितने भी पुराने हमारे आचार्य हो, सबने यही कहा है कि योग है प्रश्मनो उपाय है चित्त वृत्ति निरोध है, मतलब सबने यही कहा है कि योग जो है वो मन की वृत्तियों को रोकने का उपाय है, या मन को प्रशमित करने का, मन को शांत करने का, मन को सीरीन करने का, मन को काम डाउन करने का ही साइंस योग साइंस है। मतलब ये भी जो इसका जो मुख्य टारगेट ऑर्गन है या इसका जो कहना चाहिए कि जो अप्रोच है वो हमारे साइकोलॉजी पर ही है। तो आयुर्वेद और योग दोनों ही जो है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अगर हमें बनाए रखना है, हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें पूरी तरह से, तो इन दोनों फील्ड में, इन दोनों क्षेत्रों में हमें इन दोनों के माध्यम से हम उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशकिस्मती है। ये जो साइंस है हमारे कल्चर में बसे हुए हैं, हमारे लोगों को इनकी कहानियों के रूप में, इनकी पुराने जो हमारी परंपरा के रूप में ये ज्ञान हमको मिला है, और हम इसको हमें बिल्कुल इसका उपयोग करना चाहिए, इसको आगे हमें बढ़ाना चाहिए।
तो ये मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये इस तरह से हम दोनों साइंस के माध्यम से हम इसका उपयोग करके हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हम बनाए रख सकते हैं। तो हम आयुर्वेद की बात करें, जब पहले हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कई तरह के तरीके बताए हैं जिनसे हम मानसिक स्वास्थ्य को हम बनाए रख सकते हैं, मन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो कैसे हो सकता है? तो उसमें एक सबसे पहला जो बात होती है वो है कि हम मन का जो है वो नरिशमेंट कैसे करें, उसका जो है हम उसका पोषण कैसे करें। उसका पोषण करने के लिए, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो पंच तन्मात्रा और फिर उसके बाद में जो एक जो हमारे षोडश विकार है उसमें हो रही है, तो वहाँ पर पंच महाभूतों के माध्यम से जो हमारे जो आहार जो हम लेते हैं, जो फूड हम लेते हैं, उस फूड के माध्यम से उसके फूड का एक सटल पार्ट जो उसका एक सूक्ष्म अंश है उससे हमारे मन का भी हम नरिशमेंट करते हैं। और वो जो सूक्ष्म अंश है, उस आहार का जो सूक्ष्म अंश है, उस अंश में जो है वो यही त्रिगुण सत्व रज और तम, ये तीन गुण जो होते हैं, ये तीन गुण जाकर के हमारे उस मन का पोषण करते हैं। तो उस नरिशमेंट के ऊपर हमको, उस भोजन के ऊपर, उस फूड के ऊपर हमको जो है वो मॉनिटर करने की आवश्यकता है कि हमारा फूड कैसा हो जिससे हमारे मन का जो पोषण है वो बहुत उत्कृष्ट हो, उस मन को जब के लिए जो है वो उपयुक्त फूड हम दे पाए। ये हमारे इसका आयुर्वेद का जो है पहला, एक कहना चाहिए कि पहला सोपान है, पहला जो कहना चाहिए स्टेप है। तो डाइट की बात की गई है यहाँ पर, तो डाइट मन के जब डाइट की बात आती है तो केवल आहार नहीं होता है, आहार के अलावा जो हम इंद्रियों से, हमारे जो ज्ञानेंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, चाहे हम नेत्र के द्वारा, कर्ण के द्वारा, चाहे जिह्वा के द्वारा, जो भी हम इससे भी जो ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण किए हुए जो विषय होते हैं वो भी हमारे मन को जाकर के और इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चाहे हम आहार लें, फूड लें, या हम इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम कुछ आहार करें या उसके माध्यम से कुछ सेवन करें, वो सारा जो है अल्टीमेटली जाकर के हमारे माइंड को नरिश करता है, पोषित करता है। और जैसा हम फूड लेंगे, जैसा हम उसको उपलब्ध कराएंगे, उसी तरह से वो उसका मन का जो है वो विकास होगा, पोषण होगा, और वो उसी तरह से जैसे जैसे उनके गुणों का उसमें वर्धन होगा वो अपना कार्य करेगा। तो डाइट जो है वो ये इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारे मन का जो है वो पोषण सही ढंग से हो। और कहा भी है कि अन्य का जो 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 सटल पार्ट है, जो छोटा जो अंश है, वो जाकर के हमारी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं उनका भी अंत में जाकर के पोषण करता है। और ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमारे विकार जो है, जो अजात विकार है, अजात विकार से तात्पर्य जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी अनुत्पत्ति हो, मतलब वो उत्पन्न ही ना हो, जो उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न ही ना हो, मतलब हम उनका प्रिवेंशन करना चाहते हैं डाइट के माध्यम से। तो इसलिए तो ब्रिंग आउट द मेंटल बैलेंस, माइंड गुनास टू बी मॉडिफाइड फ्रॉम तामसिक टू राजसिक, राजसिक टू सात्विक थ्रू सम सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ अवर डाइटरी हैबिट्स। तो हमारा जो भोजन है वो हमारे त्रिगुणों को बढ़ाने वाला होता है, तो उन त्रिगुणों का सही ढंग से, उनका सही मात्रा में हमारे जो पोषण हो सके, इसलिए डाइट पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो डाइट जो है वो जैसा कि हमने कहा है, आहार जो है वो किस तरह का हो सकता है, तो आहार हमने तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये जो सात्विक आहार होगा ये विच प्रमोट अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द बॉडी, इट सुटेबल टू नरिश द qualities of sattva is considered as sattvic food. It enhances longevity and energy level. It provides comfort, pleasure, calmness and freshness. It restores the balance of harmony between body and mind. तो ये कहने का तात्पर्य है कि सात्विक आहार वो आहार होता है जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे मन के अंदर सत्व गुणों की वृद्धि करता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रेशनेस होती है, जो फूड की जो फ्रेशनेस है, वो हमारे सात्विक गुण का सबसे बड़ा द्योतक होता है। रॉ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, फ्रेशली कुक्ड हो, फ्रेशली बॉइल्ड हो, और ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और घी। घी को लेकर के एक बड़ा मिसकंसेप्शन काफी समय तक चलता रहा, लेकिन अब जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये बात एक्सेप्ट करता है कि घी इज अ नेसेसरी जो कंटेंट है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। बस प्रोवाइडेड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो है वो प्योर होना चाहिए, उसकी प्योरिटी को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उसका जो है वो हमारे शरीर डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है।
दूसरा जो है वो राजसिक डाइट। राजसिक डाइट कैसा होता है कि जो हॉट एंड स्पाइसी हो, जो एक्सेस जिसमें के अंदर जो स्पाइसेस हो, सोर हो, फ्राइड हो, ज्यादा बेक्ड हो, फास्ट फूड हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे आजकल हम देखते हैं, व्हाइट फ्लोर है, व्हाइट शुगर है, एक्सेस सॉल्ट है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह जैसे होते हैं, कलर्स होते हैं, या एक्सेस इन स्वीट्स, इस तरह का जो फूड होगा जो डेफिनेटली अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा अगर कैलोरी होगी तो हमारे हम हमारे शरीर को ज्यादा उसको कंज्यूम करने की जरूरत होगी, अगर नहीं कर पाएंगे तो वही स्टोर होकर के हमारे अंदर एक एनर्जी का जो कहना चाहिए कि एक कहना चाहिए कि वहां पर एक स्टोर होकर के हमारे लिए वह हमारे लिए असुविधा का कारण बनेगा, हमारे शरीर के लिए एक तकलीफ का कारण बनेगा, वही एनर्जी हमारे शरीर को और फिर बाद में मन को भी जो है वो दूषित करती है, जब ज्यादा मात्रा में होती एक्सेस में जब होगी तो वो हम उसको उसको स्टोर करना वो हमारे लिए कठिन होता है, इसलिए राजसिक डाइट को का एक ये गुण होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको तीनों ही प्रकार के कोई भी फूड दुनिया में जो है ऐसा नहीं है जो प्योर सात्विक हो या प्योर राजसिक हो या प्योर तामसिक हो, क्योंकि त्रिगुणात्मक संपूर्ण त्रिगुणात्मक है, ये जो आहार जो होता है त्रिगुणात्मक ही है। ये जरूर हो सकता है कि किसी आहार में सत्वगुण की अधिकता हो, किसी में रजगुण की अधिकता हो या किसी में तमगुण की अधिकता हो, लेकिन होता जो है वो आहार त्रिगुणात्मक ही है। तामसिक डाइट क्या होती है कि जो जैसे स्टेल और फ्रोजन फूड होता है, जो प्रिजर्व्ड फूड है, जो रखा हुआ है लंबे समय से, कैंड है लंबे समय तक, रेफ्रिजरेटेड फूड है, फर्मेंटेड है, या प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं, ये जो फूड होते हैं ये वास्तव में तामसिक फूड होते हैं और ये हमारे शरीर के और मन के अंदर तमोगुण की जो है वृद्धि करते हैं, और तमोगुण को हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारे जो हमारा जो कंपोजिशन है, जो हमारा मेंटल कंपोजिशन है, उसका ये लीस्ट पार्ट होना चाहिए। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि हमारा मन जो है वो केवल सत्वगुण युक्त हो, हमको तीनों गुणों की आवश्यकता है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है और त्रिगुणों का तीनों का ही अपना अपना रोल है, जहाँ तम गुण जो है वो इनर्शिया जरूर है लेकिन उसके अंदर जो कैलोरी है, जो उसके अंदर ऊर्जा है, जो छुपी हुई ऊर्जा है, वह ऊर्जा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए तमगुण की भी जरूरत है। रजगुण जो है वो गति है, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मूवमेंट है, जितने भी स्पीड है, जैसे हम बात की जब बात करते हैं तो हम उसको रज बहुल कहते हैं, तो जो जिस तरह से बात हमारे शरीर में वायु दोष हमारे शरीर में सारी समस्त प्रकार की गतियां करता है, वैसे ही रजगुण भी करता है। सत्वगुण जो होता है वो निर्दोष गुण हम जिसको बोलते हैं, एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है जो कभी दूषित नहीं होती, और वह जो है वो हमारे वास्तव में एक एक कंफर्टेबल एक कंपोज डेवलपमेंट के लिए रहने आवश्यक रहने वाला गुण है। तो यह इसलिए फूड जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सत्व गुण की अधिकता हो और जो हमारे शरीर के लिए और मन के लिए सही ढंग से उसका पोषण कर सके। तो ये और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सत्व गुण वाले कौन कौन से आहार हो सकते हैं, तो उसमें मिल्क है, हर्बल टी है, घी है, होल ग्रेन्स है, फ्रेश जूसी फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, हनी है, नट्स है, बीन्स है। तो ये जो इस तरह के फूड है वो सात्विक फूड कहलाते हैं। सात्विक फूड से तात्पर्य है कि उनके अंदर सात्विक सत्व गुण की वहां पर अधिकता होगी। राजसिक फूड में क्या होगा, राजसिक गुण की अधिकता होगी, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बाकी दो गुण नहीं होंगे, त्रिगुणात्मक है इसलिए सारे गुण हर फूड में हमको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी अधिकता होती है। इसी तरह से रेड मीट, अल्कोहल, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, फ्रोजन फूड, कैंड या स्टेल फूड, रिफाइंड शुगर्स, टोबैको, सोडा, ये जो इस तरह का जो एक क्लास है, इस तरह का जो एक फूड स्टफ है, ये हमारे शरीर के अंदर तमस गुण की वृद्धि करता है। तो ये तो बात हुई आहार की। दूसरी बात आयुर्वेद क्या कहता है कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो सद्व्रत या सदाचार का जो है वो सद्व्रत का पालन करने से हमारे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। राइट कंडक्ट एंड रेजिम्स जो हमारे लाइफ के होते हैं वो अगर हम करें तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि आहार जो फूड है, जो पांच भौतिक आहार है, केवल उसी के ग्रहण करने से हमारा मन का पोषण नहीं होता, हमारे जो आचार विचार से भी हमारे मन का पोषण होता है। और मोर ओवर अगर हम कहें तो हमारे जो सदाचार है या सद्व्रत है उसकी वजह से ज्यादा हमारा मन प्रभावित होता है। ऐसा हमारे रसायन चिकित्सा में भी कहा जाता है कि हम जब आचार रसायन का पालन करते हैं, आचार रसायन का जब हम उपयोग करते हैं, तो जो हमारे दूसरे जो रसायन है उससे भी ज्यादा उसका प्रभाव, जो हमारे कहना चाहिए कि जो जो
औषधि युक्त जो हम रसायन ले रहे हैं उससे भी ज्यादा प्रभावी जो होता है वो आचार रसायन होता है जब हम उसका नियम से पालन करते हैं। तो इसलिए राइट कॉन्डक्ट जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए आयुर्वेद में उसको बताया है कि हमको वो करना चाहिए। तीसरी जो बात बताई गई है मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो है कंट्रोलिंग द सस्टेनेबल अर्जेस, जो धारणीय वेग की बात हम कहते हैं कि जो वेग है उनका हमें जिनका धारण करने की आवश्यकता है। दो तरह के वेग हमने बताते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें से जिन वेगों का हमको रोकने की धारण करने की आवश्यकता है उनकी जो है वो हमको आवश्यकता होती है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अशस्त्र साहस की बात की है, साहसा नाम सस्ता नाम मनोभाव का कर्मणा। तो जो अशस्त्र साहस से मतलब है कि जो प्रोहिबिटेड रैशनेस है, मतलब जो रैशनेस है जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो हम एफर्ट करते हैं वो एक लिमिट तक ही किया जाना चाहिए, उससे ज्यादा करने पर वो हमारे मानसिक गुणों को दूषित करते हैं, मानसिक गुणों को प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो उसमें उसके तीन प्रकार की क्लासेस की गई है। तो एक तो है हमारे मेंटल अर्जेस, जो हमारे मानसिक जो हमारे वैचारिक स्तर पर जो किए जाने वाले धारण करने वाले वेग होना चाहिए, जैसे लोभ भय मान ईर्ष्या शोक क्रोध निर्लज्जता या अतिराग फैसिनेशन, ये जो वेग दिए हुए हैं इनको हम मानसिक वेग बोलते हैं, इनका हमें प्रोहिबिटेशन करना चाहिए, इनको हमको रोकना चाहिए, इनको हमको मॉनिटर करना चाहिए। ये आएंगे लेकिन इनको हमें ऑब्जर्व करके और धीरे से सबसाइड करना चाहिए, अदरवाइज ये बार बार जब हमारे अंदर आएंगे तो ये हमारे मन को दूषित करेंगे, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, इसलिए इन वेगों का हमें धारण करने की आवश्यकता है। इसी तरह से दूसरा जो है अशस्त्र वाचिक वेग भी बताए गए हैं कि हम बहुत ज्यादा बोलें, बहुत कठोर बोलें, बहुत सूचक मतलब चुगली जैसे की जाती है, अनर्थस्य का मतलब झूठ बोलना। तो ये इस तरह के जो हमारे वर्बल अर्जेस हैं, जो हमारे वाचिक वेग है, इनका भी हमें धारण करने की आवश्यकता है। जब इनका हम धारण करेंगे तो हमारे मन को दूषित होने की संभावना नहीं होगी। प्रोहिबिटेड फिजिकल अशस्त्र शारीरिक वेग जो है वो परपीड़ा और एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स स्टेय मतलब चोरी करना, हिंसा करना, वायलेंस, तो ये जो वेग है इनका भी हमको प्रोहिबिटेशन करना है, इनको हमें रोकना है। इनके हमें रोकने से तात्पर्य है कि उनका हमें ऑब्जर्व करके और उनको हमें उनका धारण करना है। तो वेग धारण से क्या होगा कि हम जो है पुरुष जो है वो सुखी भुक्ते चुनौती, मतलब सुख जो है वो सुखी उसका जो होगा जीवन होगा, मन शरीर और मन जो है वो दोनों स्वस्थ होंगे। चौथा जो कारण दिया हुआ है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वो है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध मतलब कि धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्म यत कृते अशुभम, मतलब जानबूझ करके जो किए जाने वाले जो गलत कार्य हैं वो प्रज्ञा अपराध कहलाते हैं। और आज वर्तमान में जो परिस्थितियां जैसे ये जो जनपदों ध्वंस की जो हम महामारी देखते हैं, कोरोना को जो हम देख रहे हैं, तो उसमें भी ये आयुर्वेद यही कहता है कि लंबे समय तक जब हमने जानबूझ करके प्रकृति के साथ जो छेड़खानी की है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हमने कार्य किए हैं और उनको प्रकृति में जो मनुष्य के अलावा जो जीव या जो प्राणी है या जो पशु पक्षी पौधे हैं उनको हमने उनको इग्नोर किया है, उनके साथ में अत्याचार किया है, इसलिए प्रकृति अपना प्रकोप दिखाने के लिए अपना जो है वो कहना चाहिए कि उसका प्रभाव जो है वो इसी रूप में महामारी के रूप में जनपद ध्वंस के रूप में प्रकट होता है, ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। प्रज्ञा अपराध उसके मूल कारण में होता है। तो ये मानसिक इसी तरह से ये मानसिक जो है हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो इसको अगर हमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो प्रज्ञा अपराध हमें नहीं करना है। इसके लाभ भी इसी तरह से होंगे कि जो प्रज्ञा अपराध अगर हम नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे, हमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा रहेगा। पांचवा जो दिया हुआ है वो है उपधा। उपधा का मतलब होता है इम्प्रॉपर नॉलेज। जब हमारा नॉलेज या जो हमारा ज्ञान जो है वो इम्प्रॉपर है, अधूरा है या कहना चाहिए कि मिथ्या है, तो उस ज्ञान की वजह से भी हमारा मन जो है वो मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। इसलिए हमें सही नॉलेज हो, सही जानकारी हो, सही जगह से हम ज्ञान प्राप्त करें, ये उसको हम कहते हैं। फिर आयुर्वेद में एक और पंचकर्म भी दिया हुआ है, इसमें तीसरी लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धिर मारुतस्य अनुलोमता। मारुत यानी वायु के अनुलोमन से, पंचकर्म में मारुत वायु का अनुलोमन होने से बुद्धि इंद्रिय और मन ये जो है वो शुद्ध हो जाते हैं, मन की शुद्धता होती है।
तो पंचकर्म का उपयोग भी आयुर्वेद में बताया गया है कि इसका उपयोग करने से हमारे मन का शारीरिक रूप से तो हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, शरीर के साथ साथ हमारे मन का भी शोधन होता है। एक ये उपाय यहाँ पर है। तीसरा सातवां जो एक इसमें पॉइंट मैंने लिया है ये है आचार रसायन। जैसा अभी मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आचार रसायन जो है वो हमारे सारे रसायनों के ऊपर माना गया है कि इसका अगर हम अभ्यास करेंगे, आचार रसायन से तात्पर्य है कि हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो सोच है, हमारे विचार है, हमारा चिंतन है, जो कि लगातार हमारे मन को प्रभावित करते हैं, अगर हम उसका सही ढंग से पालन करेंगे आचार रसायन का, जैसा आचार्य चरक ने बताया है, तो हमारा शरीर की हमारी सारे शरीर की समस्त धातुओं का जो है वो उचित रूप से पोषण होगा और हम जो रसायन के जो लाभ है कि हम ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होगी, हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी जो धातुएं हैं, जो शस्त्र जो हमारी जो धातुएं हैं, जो रस से लेकर के शुक्र तक जो धातु हैं, वे हमारी प्रशस्त धातुओं का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये अनेकों जो है यहाँ पर हमारे साधन बताए गए हैं आयुर्वेद में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। और इम्पोर्टेंट एक बात और जो इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे विज्ञान में मानसिक प्रकृतियों की बात भी आई है। तीन प्रकार की जो प्रकृतियाँ बताई गई हैं, उन प्रकृतियों में जो है वो मानसिक प्रकृतियाँ इम्पोर्टेंट होती है और साथ में जो है वो प्रकृति का जो डोमिनेशन है, जैसे त्रिदोष प्रकृति जो शारीरिक रूप से बनती है, मानसिक प्रकृति का निर्माण और उसकी उत्पत्ति और उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन शारीरिक प्रकृति का जो बताया गया है उसमें वातज पित्तज कफज जो तीन प्रकार की शारीरिक प्रकृतियां हैं उसमें अगर हम मानसिक गुणों को जोड़ना चाहें तो जहां वातज प्रकृति है वहां पर स्लोनेस की आवश्यकता होती है, वहां पर गति को कम करने की आवश्यकता होती है। जहां पित्तज प्रकृति है वहां पर मॉडरेशन हमें करना होगा, मतलब मेंटेन करना होगा। और जहाँ कफज प्रकृति है, जहाँ पर इनर्शिया है, वहाँ पर स्टिमुलेशन की, वहाँ पर उसको एक्टिवेट करने की, वहाँ पर उसको आगे कार्य करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद से जब हम उपचार करेंगे, आयुर्वेद का जब हम उपयोग करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि हमारे जो डिप्रेशन जो जो एक एक, एक व्याधि है, केवल एक उसका एक लक्षण है कहना चाहिए मानसिक व्याधियों का, उसमें हमको उत्साह और उमंग के माध्यम से, उत्साह और उमंग के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम अगर हम योग की बात करें, दूसरा जो हम विज्ञान जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है योग में जो बताई गई है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो हम मेयर फिजिकल नहीं है। हमारा जो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो एक जो चित्र है उसके माध्यम से पंचकोश सिद्धांत है कि हमारा जो शरीर है 5 लेयर्स का है। एक जो अन्नमय कोश जो हमारा अंदर है, जिसको हम फिजिकल हेल्थ फिजिकल हम बॉडी बोलते हैं, ये हमारा अन्नमय कोष जो जिसको हम देखते हैं, इसके ऊपर एक प्राणमय कोष होता है जिसमें हमारे प्राण जो है, जो हमारी प्राण शक्ति है वो इस कोष में संचालित रहती है। तीसरा जो है वो मनोमय कोष होता है जो इसके ऊपर होता है। चौथा जो है वो विज्ञानमय कोष, और अंत में जो सबसे बड़ा कोष है, जो सबसे बाहरी हमारा आवरण है, वह आनंदमय कोष। तो ये 5 लेयर की हमारी पर्सनैलिटी होती है, और इसमें मनोमय कोष जो है कहना चाहिए कि यहाँ पर ये जैसे आप कहते हैं ना, आयुर्वेद में भी कहते हैं, योग में भी कहते हैं कि हमारे यहाँ रोग की जो चिकित्सा होती है वो जड़ से होती है, हम रूट कॉज को हम रिमूव करते हैं। तो जो निर्मूलन करने की जो चिकित्सा की बात कही गई है तो वो रूट्स कहाँ है, तो उसमें योग हमें बताता है कि जो रूट्स है वो यहाँ मनोमय कोष में होती है, जिसको हम इसको योग में आधि कहा जाता है। ये जो कोई भी व्याधि जो हमारे शरीर पर प्रकट हो रही है, कोई भी लक्षण जो हमारे शरीर पर प्रकट हो रहे हैं, जो भी हमारे अंदर शारीरिक रूप से जो हमें देखने को मिलता है, उसकी उत्पत्ति पूर्व में हो चुकी होती है हमारे मानसिक स्तर पर, हमारे मनोमय कोष के स्तर पर, जिसको आधि कहा जाता है। और जब वो प्रकट हो जाती है तो वो व्याधि के रूप में हमारे शरीर पर आती है, लक्षणों के माध्यम से दिखाई देती है, हम उसका उपचार करते हैं, लेकिन उसकी रूट्स जो होती हैं वो तीसरे स्तर पर, मनोमय स्तर पर होती है, मनोमय कोष के स्तर पर होती है। तो अगर हमें उसका उपचार जड़ से करना है तो हमें वहां तक जाना होगा, वही रूट्स है, वहीं पर उसकी जड़ें हैं। तो इसलिए वो रूट का जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में भी जो चिकित्सा की जाती है वो क्यों कहा जाता है कि हम रूट रेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि हम जड़ से हम रोगों का उपचार करते हैं? क्योंकि हमारी जो रोगों की जो जड़ें हैं वो त्रिगुणों के स्तर पर है, त्रिगुणों के स्तर का जो इम्बेलेंस है उसको हमारी औषधियाँ जो है वो उनको दूर करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो हम जड़ों से हम दूर करते हैं, केवल शारीरिक लक्षण दूर नहीं होते, उसके अंदर की जो पैथोलॉजी है वहां तक हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये योगिक चिकित्सा में
एक बहुत बड़ा ये एक चैप्टर है जिसको बहुत संक्षेप में एक दिन में बताना संभव नहीं है, लेकिन ये जो 8 अंग जो दिए गए हैं योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे के सारे 8 अंग जो है वो हमारे इनका जो प्रभाव है, अल्टीमेट जो इफेक्ट है, फाइनल जो इसका रिजल्ट है, चाहे यम नियम हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, धारणा हो, ध्यान हो या समाधि हो, सबका जो टारगेट है वो हमारे मन को प्रशमित करने का है, हमारे मन को शांत करने का है, हमारे मन को सुकून में ले जाने का है, और उसी के उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग विज्ञान का वास्तव में उदय हुआ। और योग का जो कहना चाहिए कि एक साइकोलॉजी है, योग जो है वो एक साइकेट्रिस्ट की तरह एक साइकोलॉजिकल कहना चाहिए कि हमारे पूरे हमारे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट, इसका जो मुख्य, जैसे पतंजलि के लिए हम कहते हैं कि योगेन चित्तस्य, मतलब योग के द्वारा जो है वो चित्त की जिसने शुद्धि की है, चित्त के मलों को जो दूर करता है वह योग है। तो ये योग का जो संपूर्ण जो प्रयास है वह मन के ही चिकित्सा के लिए होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे अंदर के जो जो तामसिक गुण है उनसे हम ऊपर उठ के राजसिक बहुल हो जाएं, राजसिक गुण जब अधिक हो जाते हैं तो हम सात्विक बहुल हो जाएं, और फिर उसके बाद त्रिगुणों से भी ऊपर हम जा करके प्योर सत्व की स्थिति में पहुंच जाएं। तो ये ग्रेजुअल जो जो कहना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग से डिवाइन बीइंग की ओर जाने का प्रोसेस है, उसको हम योग कहते हैं, उसको योग साइंस कहा जाता है। तो मैं ये संक्षेप में मैंने अपनी बात यहाँ कहने की कोशिश की, प्रयास किया, और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है इसको बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें योग और आयुर्वेद, ये दोनों ही जो है विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, साबित हो सकते हैं। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे वैद्य मित्रम परिवार का धन्यवाद, सारी टीम जिस तरह से लग करके पूरे 1 महीने तक लगातार जिन्होंने कार्य किया, उसके लिए मैं सभी साथियों का और आप सभी श्रोताओं का, सारे विद्यार्थियों का, सारे क्लिनिशियंस का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओवर टू डॉक्टर प्रतिभा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैद्य मित्रम के पूरे परिवार की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से, आज हमारे बीच विशेष वक्ता की भूमिका निभा रहे हमारे श्रेष्ठ डॉक्टर एपीएस चौहान सर का इस महत्वपूर्ण विषय पर इतना ज्ञानवर्धक और बहुमूल्य व्याख्यान देने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज के समय में हम शारीरिक स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रख लेते हैं, हम देखते हैं कि कहीं चोट भी ना लग जाए, हमें एक निशान भी ना आ जाए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, सबसे पहले अपने आप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। हमारे आचार्य, मॉडर्न आज जानता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, लेकिन हमारे आचार्य कितने साल पहले, हजारों साल पहले इस बारे में कह गए हैं, ये शरीर हमारा मंदिर है, शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम इसके पुजारी हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी इबादत करें। थैंक यू सो मच सर, शास्त्र में दिए गए इस ज्ञान को आपने इतनी सरलता से, इतना रिलेटेबल बना के, छोटी छोटी बातों से, डाइट टिप्स, सद्व्रत को कैसे पालन करना है, धारणीय वेग के बारे में, योग कैसे हमें मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद कर सकता है, आपने इतने खूबसूरती से इस अनुभव को साझा किया और हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच सर। चलिए, आज के इस एक बात मैं जो और कहना चाहती हूँ, मैं यही कहूंगी कि कुछ भी हो, अपने आप को परेशान करने से पहले एक बार सोचे। सर ने जो कमॉन वर्ड बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा एक बार बोलूं। कमॉन, बाहर आइए, अपने आप को परेशान करना बंद करिए। कुछ भी हुआ है, हम अपने किसी को भवन में चले जाते हैं और सबसे पहले अपने आप को परेशान करने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे विचार आने लग जाते हैं। हमें तो बल्कि इससे बाहर निकलना है और दूसरों को भी हाथ दे के बाहर निकालना है। तो कम ऑन, आइए जिंदगी का लुत्फ उठाइए, परेशान होना बंद कर दीजिए। चलिए, अब इतने खूबसूरत और इतने इंपॉर्टेंट विषय के बारे में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद, अब मैं इनवाइट करती हूँ भोपाल से हमारी वैद्य मित्र परिवार की ही सदस्य, हमारी चहेती डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैम को, कि मैम आए और इस सत्र को आगे बढ़ाएं। मैम, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सो मच बेटा। आज जैसा प्रतिभा ने आपको बताया
कि हमारी इस वैद्य मित्रम श्रृंखला का आखिरी एपिसोड है आज। ये कहने में थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी उदासी महसूस हो रही है, लेकिन जीवन का तो नियम आना और जाना है। और इन विगत 30-32 दिनों में कैसा अनोखा सा रिश्ता आप सबसे बन गया है, कौन कहाँ से है ये हमें पता नहीं, पर ये यकीन हम सबको है कि ये डोर अब टूटेगी नहीं। यस, हमारी ये मजबूत डोर को ना हम टूटने देंगे बल्कि उसको और तराशेंगे। हमारी इस डोर की मजबूती को बनाए रखने के लिए उसके पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिशियंस का हार्ड वर्क और डेडिकेशन है, और ऐसी हार्ड वर्किंग शख्सियत से मैं आज आप सबको रूबरू कराना चाहूंगी। हमारे इस वैद्य मित्रम परिवार के भीष्म पितामह, शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो हैं जो हर रिहर्सल, हर प्रैक्टिस, हर लाइव टेलीकास्ट से पहले हम सबसे पहले होस्ट बन के बैठते थे, हमें सपोर्ट और गाइड करते थे, और ये वो हैं डॉक्टर APS चौहान सर। मैं डॉक्टर चौहान सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप सब के समक्ष हमारी इस पूरी वेबिनार सीरीज की 1 महीने के हार्डवर्क और प्रयास का एक समरी, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करें। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर APS चौहान सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आपने बताया और हम पिछले 1 माह से देख रहे हैं कि हमारा वैद्य मित्रम की जो ये वेब सीरीज या ये वेबिनार की जो हमने शुरुआत की, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जिस तरह से इस महामारी, इस कोरोना की वजह से जो वातावरण पूरे देश में बना, पूरे विश्व में बना था, और उसमें एक वर्चुअल जो वर्ल्ड, जो कहना चाहिए कि घर के अंदर रहते हुए भी हमने इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़ने की और लोगों से बात करने की और एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव कार्य करने के लिए एक पहल जो हमने चारों तरफ देखी, तो हमारे मन में भी, हमारी पूरी वैद्य मित्रम टीम के मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना इस तरह का हम भी प्रयास करें। और एक इस समय में जब सारे लोग मानसिक रूप से दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, उस अवस्था का हम सही उपयोग, सकारात्मक उपयोग कैसे करें, तो इस विचार को लेकर के, और दूसरी बात ये भी कि हम जब कोरोना की इतनी ज़्यादा बात होने लगी, इतनी ज़्यादा जब बातें हुई, तो जब एक भय जो है पूरा व्याप्त पूरे समाज में और पूरे देश में हुआ, तो सब ने सोचा कि इस भय से भी बाहर आने के लिए हमें पॉजिटिव बात करनी है। केवल हम ये कहें कि कोरोना से क्या होने वाला है और उसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, क्या उसके असर होने वाला है, केवल उसकी बात न करते हुए क्या हम जीवन में कुछ और सकारात्मक बातों को लेकर के और हम कुछ क्या कुछ कार्य कर सकते हैं। और इसी विचार को लेकर के पूरी वैद्य मित्रम की टीम ने सोचा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे आसपास के, हमारे जो साथ के, हमारे विद्यार्थी या हमारे साथी जो हमारे रोज हमसे जिनसे मुलाकात होती, हम सब ने मिलकर के ये कार्य करने का सोचा। उसके लिए हमने देश के कोई बहुत बड़े प्रतिष्ठित वैद्यों का या बड़े बड़े नामों को लेकर के हम नहीं आए, हमने अपने आपस के, अपने ही बीच के लोगों को लेकर के ये कार्य करने का योजना बनाई। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना लंबे समय तक, 1 माह तक लगातार प्रतिदिन बिना रुके हुए, बिना किसी, कितने ही नेटवर्क, कितने ही मौसम बिगड़े, लेकिन उसके बावजूद लगातार 1 महीने तक ये कार्य हम करते रहे और सफलतापूर्वक करते रहे और सभी युवाओं के माध्यम से करते रहे, ये इस वेबिनार का एक, मैं कहना एक बहुत बड़ा आउटकम है कि हमने एक टीम बनाई और उस टीम ने, जिसमें अधिकांश लोग हमारे प्रदेश के अंदर के हमारे लोग, हमने फिर और लोगों का भी इसमें सहयोग लिया, लेकिन ज्यादातर हमारे आसपास के लोगों को लेकर के हमने कार्य किया और सबने पूरे मन से, पूरे अपने समर्पण के साथ में निश्चित समय देकर के और बहुत अच्छा कार्य किया। और इस पूरे 1 माह के अंदर हमने अनेकों विषयों को छूने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो टारगेट्स थे, जो हमारे जिनसे हम अपनी बात कहना चाहते थे, उनमें हमारे यंग आयुर्वेद क्लिनिशियंस जो प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो खरगोन में हो, बड़वानी में हो, धार में हो, चाहे वो किसी भी जिले में हो, सब जगह के लोगों को हमने, सब जगह के चिकित्सकों तक हमारी बात पहुंच सके, इस उनको हमने ध्यान में रखते हुए, और साथ ही जो आयुर्वेद के जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो स्नातक स्तर के हों, चाहे स्नातकोत्तर स्तर के हों, उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए उनको भी इस समय का लाभ दे सके,
इसलिए हमने सिलेबस के थ्रू जाकर के रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टेटिस्टिक्स के रूप में हमने विषय लिए, डॉक्टर प्रशांत मठ और उनकी पूरी टीम ने उस विषय को भी रखा। मतलब आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण तरीके से इस समय का सदुपयोग किया कि विद्यार्थियों को उसका पूरा से पूरा लाभ मिल सके, चिकित्सकों को इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए हमने आयुर्वेद के अनेक विषयों को, चाहे वो काय चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे पंचकर्म हो, चाहे एनोरेक्टल डिसऑर्डर हो, चाहे पंचकर्म के अलावा या जो हमारे मानसिक व्याधियों की बात हो या इनफर्टिलिटी की बात हो, चाहे बाल रोग की बात हो, तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर के सारे विशेषज्ञों को हमने साथ में लेकर के आए और पूरे एक माह तक लगातार, आज ये कहने को एक माह है लेकिन मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि ये 32वां हमारा सेशन है, 32nd सेशन है आज हमारा। 17 मई से ही आरंभ हुआ था और आज 17 जून को आज हम यहाँ समापन के दिन हम यहाँ फिर पुनः एकत्रित हो रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास हमारे आसपास के लोगों को लेकर के हमने शुरू किया और उसका आउटकम हम देखते हैं। तो हमारे बीच में से कई प्रतिभाशाली चिकित्सक, कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमारे सामने आए, उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया और प्रूव किया कि वो जो कार्य अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं वो कार्य कितना समसामयिक है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना उपयोगी है। मैं जब उनके कमेंट्स, जब उनके लेक्चर्स के दौरान जब उनके कमेंट्स में फेसबुक पर देखता हूँ तो लोग कहते थे कि इन्होंने अपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया ये तो इन्होंने एक घंटे में सारा बांट दिया। मतलब आप ये देखिए कि जो जो उन्होंने जहाँ अपनी मेहनत से जो उन्होंने जिन चीजों को पाया था उन्होंने पूरा निस्वार्थ होकर के एक घंटे के अंदर या डेढ़ घंटे में जो उनको मौका मिला उन्हें शेयर किया। ये जो बांटने की जो परंपरा, ये जो बांटने का जो प्रयास किया गया निस्वार्थ होकर के और अपना जो अर्जित ज्ञान था उसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, उसके लिए मैं वैद्य मित्रम परिवार के सभी सदस्यों का और हमारे आग्रह पर हमारे प्रदेश के बाहर के भी जो विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े, चाहे महाराष्ट्र से हों, चाहे गुजरात से हों, चाहे किसी भी प्रांत के हमारे साथ जो जुड़े थे, उन सब का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और इस प्रयास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। एक सकारात्मक पहल है, ये रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा हमारा विचार है, हम ऐसा आगे करते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर प्रीति मैडम को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि सर ने कहा, मुझे लगता है उसमें एक एक शब्द बिल्कुल सही था कि इस डिप्रेसिव लॉकडाउन पीरियड में जहां लोग सिर्फ लॉस की बात कर रहे थे, शायद पहली बार आयुर्वेद जगत की ये शायद हिस्ट्री हो कि हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉफिट की बात की और हर बार हर लेक्चर में हर डॉक्टर ने, हर वैद्य ने ये कोशिश की कि उसने अपने जीवन के सफर में जितना सीखा है वो सबके साथ बांटे। और शायद यही हमारी एक मजबूत डोर है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया वैद्य मित्रम परिवार। ये परिवार अपना कभी टूटेगा और शायद दिनों दिन मजबूत होके हमारे सारे छोटे बड़े क्लिनिशियंस बच्चों को रोज हर बार कोशिश करेगा कि कुछ नया सिखाए और आयुर्वेद को टॉप पे लाए, मतलब फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। और इसी मजबूत कड़ी के पीछे टेक्निकली कौन पूरे टाइम साथ दे रहे थे, वो हैं डॉक्टर आशीष पाल, खुद अर्पण आयुर्वेद के डायरेक्टर। मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने इस सफर के एक्सपीरियंसेस और व्यूज आपसे शेयर करें। डॉक्टर आशीष पाल, आशीष गुड इवनिंग मैम, धन्यवाद आपका, चौहान सर का धन्यवाद। जैसा कि चौहान सर ने कहा कि ये वैद्य मित्रम परिवार ने किस तरह से 32 सेशन में महीने भर सभी चिकित्सकों, छात्रों के लिए बहुत ही सुविधापूर्ण तरीके से एक सेशन ऑर्गेनाइज किया, एक तय समय पे किया, सभी ने निस्वार्थ भाव से लगातार निर्बाध रूप से, जैसा सर ने कहा कि नेटवर्क की दिक्कतें आई, हमें मौसम की दिक्कतें आई, पर हमने निर्बाध रूप से इसे जारी रखा, हमें बहुत अच्छे रिव्यूज इस चीजों के मिले, सभी गुरुजनों का हमें आशीर्वाद मिलता रहा, बराबर मिलता रहा। जब हमने शुरू किया था तो ये एक हफ्ते के लिए किया था, पर धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते गए और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 32वां सेशन हम कर रहे हैं, तो इस सेशन के कुछ मैं आपको स्टैटिक्स साझा करूंगा। आज जैसा बताया
लगता है कि आज 32वां सेशन है हमारा, तो टोटल व्यूअर्स हमारे टोटल 900 पार्टिसिपेंट्स के बाद पर हमें टोटल 70,000 व्यूज, 70,000 बार देखा गया वैद्यमित्रम परिवार को। ये 70,000 सच में बहुत अच्छी संख्या है। 70,000 लोग लाभान्वित हुए और अनेकों विषयों से लाभान्वित हुए, किसी एक विषय को लेकर नहीं लाभान्वित हुए, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा सर ने बताया कि हमने किसी भी एक विषय को नहीं छोड़ा, सभी विषयों को किया, अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स, पीएचडी, बीएमएस, एमडी, पीएचडी लेवल तक के लोगों को हमने सेशंस में लिया, कुछ योग एक्सपर्ट्स को हमने लिया, ना केवल भारत से, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स विदेशों से भी थे जिन्होंने योग और आयुर्वेद के बहुत से पहलुओं को हमारे साथ साझा किया। टोटल व्यूअर्स हमारे 70,000 थे। टोटल 80 घंटे का सेशन हमने कंडक्ट किया, जो अपने आप में एक मिसाल है। उसके अलावा हमने जैसा मेरा सेशन था क्लिनिकल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन को लेकर, तो ना केवल हमने थ्योरिकल एस्पेक्ट कवर किए, उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिकल सेशंस भी कवर किए। हम इस वैद्यमित्रम परिवार जो संगठित हमने किया है एक महीने में, हम इस सेशन को अभी समाप्त ना करते हुए आगे भी लेकर जाएंगे, क्योंकि आप सभी का प्यार हमें इतना अधिक मिला है कि इस परिवार को आगे भी ले जाने का हमने विचार किया है। डॉक्टर संदीप राणे सर आगे आपको इसके बारे में सभी कुछ जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि वैद्यमित्रम परिवार आगे किस तरह से आपसे जुड़ा रहेगा। मैं वाव एसोसिएशन भोपाल और अर्पण आयुर्वेद इसका मैं स्वयं डायरेक्टर हूँ, उसकी तरफ से आप सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे लेक्चरर्स, हमारी पूरे वैद्य मित्रम परिवार के एक एक मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक माह पूरा लगातार हम सब सभी का बराबर साथ दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या मेरी आवाज जा रही है? जी सर बिल्कुल जी। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि वैद्य मित्रम का जो ये सेशन रहा, इन सेशन में लगभग 32 विषयों पे चर्चा हुई है और 32 विशेषज्ञों ने अपना अनुभव दिया है, मार्गदर्शन दिया है, तो उसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सबने अपना इतना समय दिया, अपना अनुभव को शेयर करा। और इसमें आगे की जो योजना रहेगी उसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो सफ़र शुरू हुआ है वैद्य मित्रम का, उसके सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है आदरणीय बबीता मैडम को और एपीएस चौहान सर को, जिन लोगों ने हमें इतना अच्छे से प्लेटफॉर्म दिया, जिन लोगों ने हम सभी को इतने अच्छे से आगे लाए। और बबीता मैडम जब मेरे से बात करी थी, फ़ोन करा था, तो बबीता मैडम ने सिर्फ एक ही बात करी थी, बेटा मुझे आप सभी लोगों को आगे लाना है, आप सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है ताकि आप लोग भी उस ऊंचाइयों पर पहुंचे, आप लोगों की बातों को भी सब सोचे। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरुजन मिले हैं, हमें इस तरीके के स्नेह करने वाले, हमें हमेशा आगे रखने वाले। और बबीता मैडम का तो अनुभव ऐसा मैं बताऊंगा कि उन्होंने हमेशा ही अपने छात्रों के हित के लिए सबको आगे करा है। और आपने आज के सेशन में देखा होगा कि आज एपीएस चौहान सर का सेशन था और कल बबीता मैडम का था, मतलब हम सभी को आगे करने के बाद उन लोगों ने अपने किसी भी तरह के सेशन को या फिर अपने अनुभव को साझा करा, तो आज उन लोगों ने सबसे हमें आगे करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसकी जो रूपरेखा रहेगी, आगे का जो ये रहेगा वैद्य मित्रम, ऐसा नहीं है कि ये 32 डेज के बाद खत्म होने वाला है, आगे भी वैद्य मित्रम हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। वैद्य मित्रम का जो उद्देश्य है कि वैद्यों और छात्रों के लिए अच्छे से अच्छे अनुभव शेयर करना, अच्छे अच्छे वरिष्ठों को वैद्य मित्रम के प्लेटफॉर्म पे लाना और सभी लोगों को आयुर्वेद के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, आयुर्वेद में कैसे हम हमारे चिकित्सा को और ज़्यादा अच्छे से कर सके, और उसके लिए छात्रों और वैद्यों को, चिकित्सकों को हमेशा ऐसे आयोजन के लिए हम लाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे वैद्य मित्रम पे। और ये प्लेटफॉर्म जैसे कि ये वैद्य मित्रम जो है निशुल्क आयोजित किया गया है, आगे भी वैद्य मित्रम हमेशा निशुल्क ही रहेगा, जिसमें किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आगे ऐसे ही वेबिनार जो होते रहेंगे जिसमें मार्गदर्शन के लिए हम
बहुत सारे ऐसे चिकित्सकों को लाने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञों को लाने वाले हैं, और हमने एक निर्धारित किया है कि आगे चल के हम इस वैद्य मित्रम के एक प्रतिनिधि को तैयार करेंगे। हर कॉलेज में एक प्रतिनिधि होगा, वो प्रतिनिधि वैद्य मित्रम की जानकारी सभी महाविद्यालयों में देगा और वैद्य मित्रम की जो भी आगामी आयोजन होने वाले हैं उसके बारे में उन्हें साझा करेगा। और आगे चल के जैसे कि विशेषज्ञ के बारे में हमने बताया है कि विशेषज्ञ जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है और जो आने वाले भी हैं, वो सभी विशेषज्ञ आप लोगों को प्रायोगिक चिकित्सा, प्रायोगिक ज्ञान आयुर्वेद का देने के लिए अपने अपने चिकित्सालयों में आप लोगों को निःशुल्क चिकित्सा का ज्ञान देंगे, अपने अनुभव को ज्ञान देंगे। आप बहुत सारे हमारे ऐसे चिकित्सक हो जिनको आप जहाँ पे भी आप सीखने जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी उनके अनुभव लेने जाना चाहते हैं, आयुर्वेद में कैसे आगे बढ़े, कैसे किसी स्पेशलाइजेशन में हम आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, तो आप हम सभी वैद्य मित्रम के जितने भी लोग हैं उनके साथ आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी होगी तो हम सभी लोग उसके लिए आपके लिए तत्पर रहेंगे और हमेशा ऐसे ही आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और आयुर्वेद को बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं आज अब मेरी वाणी को विराम देता हूं और आगे मैं प्रीति मैम को आने के लिए कहूंगा कि आगे मैडम आदेश करें कि आगे का क्या रूपरेखा है। थैंक यू संदीप, थैंक यू। और मैं मेरे सारे ऑडियंस से बताना चाहूंगी कि डॉक्टर संदीप राणे का खुद का एक आईपीडी हॉस्पिटल है। इतनी यंग एज में इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, शायद ये हम सबके लिए एक एनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन है। और बहुत अच्छा सुझाव संदीप कि हम सब निशुल्क अपने अपने सेंटर्स पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टाइज के हिसाब से अपने यंग जनरेशन को ट्रेनिंग देंगे। वेरी गुड, थैंक यू। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि आशीष, हमारे डॉक्टर आशीष जो हैं वो हमारे वन मैन टेक्निकल बंदा थे जो पूरी वेबिनार सीरीज को इतने अच्छे से आपके सामने लाइव लाए। इसी कड़ी में आगे एक और शख्सियत है, बहुत यंग एनर्जेटिक, डॉक्टर रोशनी। मैं उनको बुलाना चाहूंगी जो पूरे समय आपको बिना किसी इंटरप्शन के हर लेक्चर का यूट्यूब में एक रिकॉर्डिंग, एक टेलीकास्ट देती रही। रोशनी प्लीज आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। डॉक्टर रोशनी जी। मैम थैंक यू, एम आई ऑडिबल? यस यस रोशनी, यू आर ऑडिबल। यस मैम, थैंक यू सो मच सभी को, आप सभी व्यूवर्स और आप लोगों ने वैद्य मित्रम परिवार को जो अपना एप्रिशिएशन दिया कि जो हमने पहले जो वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए सोचा था वो कुछ दिन से हम इतने ज़्यादा सेशंस तक पहुंच पाए, ये सब आपके एप्रिशिएशन और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। और जो यूट्यूब व्यूज रहे हैं वो 7,000 व्यूज रहे हैं और जो वॉच टाइम है 43,000 मिनट्स रहे हैं। और आपने जो भी अभी तक वैद्य मित्रम में लेक्चर्स देखे हैं आप उन्हें बाद में भी कभी भी उन लिंक्स के थ्रू या उस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वो अवेलेबल रहेंगे और आने वाले जो भी सेशंस होंगे वैद्य मित्रम के वो भी अवेलेबल रहेंगे। एक प्लेलिस्ट है, अगर आप सिर्फ वैद्य मित्रम के नाम से भी सर्च करेंगे तो उसमें अभी तक हुए जितने लेक्चर्स हैं और जो आगे भी लेक्चर्स होंगे वो आपको सारे लेक्चर्स एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उससे भी देख सकते हैं। और मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही एक जो टीम है वो बन पाई है और जो वैद्य मित्रम परिवार है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये भी आपके सपोर्ट से ही होगा, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे आगे भी जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, एंड नाउ ओवर टू प्रीति मैम। थैंक यू रोशनी, और जैसा कि आप सब देख रहे हो शायद ये ड्यूटी पे है, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। दिस यंग गर्ल इज सो मच डेडिकेटेड कि हमारा वैद्य मित्रम परिवार शायद पूरा तुमको थैंकफुल है रोशनी, कि हम वो लेक्चर्स को जब चाहें अपनी सहूलियत से दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू बेटा। Now I request हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं एंड जो बहुत सिंपल, जितने मैं उनकी तारीफ करूँ कम है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी आपके साथ शेयर किया, आपको समझाया। मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर प्रशांत मठ से
कि वो आए एंड अपने व्यूज शेयर करें सर. डॉक्टर प्रशांत सर. थैंक यू मैडम. थैंक यू प्रीति मैडम. पहले तो मैं पूरे इस वैद्य मित्रम टीम को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि फॉर द सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ दिस होल इवेंट अर्पण आयुर्वेदा और वाव एसोसिएशन. तो बहुत ही मतलब मैं उनका आभारी रहूंगा क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मौका दिया कि ताकि मैं मेरा जो भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं इसको शेयर कर सकूं. और जैसा कि अभी बता दिया कि ये सीरीज आगे भी चल के कंटिन्यू होने वाला है और जैसा हमने स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने एक प्लान आउट कर भी लिया था, तो इसी हिसाब से आगे चल के इसी का एक एडवांस्ड वर्शन, क्योंकि ये जो एक बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स था तो ये स्पेशली मेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स था, तो हमने उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये पूरा एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था. आगे चल के हम इसी सेशन को और एडवांस्ड कोर्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का भी लाने का प्रयास करेंगे. और इसमें मैं चाहूंगा कि आपने जो एक प्रोत्साहन अभी तक हमको देते आए हैं आगे भी ये कंटिन्यू रखे. और वंस अगेन आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एवरीवन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस वैद्य मित्रम वेब सीरीज. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर कोऑपरेशन. जब जब हमने आपसे आपका सपोर्ट मांगा आपने बहुत अच्छे से दिया एंड सारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट भी हुआ इससे. जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं अपनी पर्सनालिटीज जो इस पर्दे के पीछे काम कर रही थी आज उनसे आपको रूबरू कराऊंगी. अनफॉर्चुनेटली मैं रूबरू नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है, बट स्टिल मेरे बहुत अच्छे अच्छे साथी जो अभी भी आगे आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उसी कड़ी में जिनसे मैं मिलवाना चाहूंगी. अब यहाँ से मेरा शुरू होता है आभार प्रदर्शन, वोट ऑफ थैंक्स, और उसको एक अनूठे ही अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर सुहास यादव. आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुहास टू कम प्लीज. नमस्ते मैडम. चरण स्पर्श. मैं सभी वैद्य मित्रम परिवार को बारंबार नमन करता हूँ और हृदय की अतल गहराइयों से नमन करता हूँ. सुहास थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ, तुम्हारी आवाज कम आ रही है. मैम अब आ रही है आवाज? हाँ आप क्लियर है. मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, विशेष तौर पे परम आदरणीय बबीता मैडम, परम आदरणीय एपीएस चौहान सर, आदरणीय नीरज व्यास सर, आदरणीय प्रीति मैडम, अर्पण आयुर्वेद, वाव ग्रुप, वैद्य आशीष जी, वैद्य रोशनी जी, इन सभी लोगों को बारंबार प्रणाम. इसलिए क्योंकि हम लोगों को एक पारिवारिक सूत्र में बांधने का बहुत अच्छा कार्य इसमें किया गया है. मैं कविता के माध्यम से जो है वो एक आभार की अभिव्यक्ति यहाँ पे करना चाहता हूँ. आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है. सुहास क्लियर है बिल्कुल. जी मैम. मैं आयुर्वेद के पुण्य मंच पर मन के भाव सुनाता हूँ. मैं आयुर्वेद के पुण्य मंच पे मन के भाव सुनाता हूँ. मैं अविरल बहते दिव्य शास्त्र की बातें बतलाते जाता हूँ. जब त्राही त्राही सब जग में हुई और हुआ आसन्न मृत्यु का साया, ये वही समय था जब मन था व्याकुल और व्याधि ने ग्रस डाला. तब सभी देव भी विफल हुए और काल धरा पर छाता था. ऐसे कठिन विकट समय पर अंधकार सा छाता था. तब ब्रह्मा जी ने चिंतित होकर अद्भुत ध्यान लगाया और अजर अमर से वेद को पाया जिसमें था आरोग्य समाया. अंधकार में हुई रोशनी दोषों का फिर ज्ञान हुआ. अंधकार में हुई रोशनी दोषों का फिर ज्ञान हुआ. सप्त धातु और गुण गुणों का जैसे बुद्धि में संधान हुआ. फिर देव लोक से बही ये गंगा ब्रह्मा ने अलख जगाया. दक्ष इंद्र से भ्राता द्वय ने इस सिद्धि तक इसे सिद्धों तक पहुंचाया. बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में गुरुओं ने इसे सजाया. पूर्व जन्म से मृत्यु तक का रहस्य सटीक समझाया. आधि देविक आधि भौतिक आध्यात्म बिंदु रहते हैं. आधि देविक आधि भौतिक आध्यात्म बिंदु रहते हैं. ये शास्त्र बड़ा ही सटीक है मित्रों, इसे आयुर्वेद कहते हैं. समय समय पर संभाषण से ज्ञान बहा करता है. समय समय पर संभाषण से ज्ञान बहा करता है. वैद्य मित्र फिर मिलते जाते आनंद हुआ करता है. कली काल के प्रथम चरण में मां नर्मदा के दक्षिण तट से मैं रहस्य सुनाता वैद्य मित्र का सुनना अंतर मन से. जब जब बाधाएं आएंगी और स्वास्थ्य अबल हो जाएगा.
तब तब वैद्य ही मित्र बनेगा और अंतर मन हर्षाएगा। बस इसी ध्येय से, इसी लक्ष्य से हमने मंथन सा कर डाला, बस इसी ध्येय से, इसी लक्ष्य से हमने मंथन सा कर डाला, वैद्य मित्रम को स्वप्न लोक से प्रत्यक्ष यहाँ कर डाला। इस लॉकडाउन में गुरुजनों ने संभाषण करवाया, इस लॉकडाउन में गुरुजनों ने संभाषण करवाया, कईयों की सुप्त अवस्था से पुनः आयुर्वेद प्रगटाया, कईयों की सुप्त अवस्था से पुनः आयुर्वेद प्रगटाया। यह समय अंत का नहीं है समझो, यह समय अंत का नहीं है समझो, यह उत्तर की शुरुआत है, वैद्य मित्र हितप्रद ही होगा, ऐसा गुरुओं का विश्वास है। यह समय अंत का नहीं है समझो, यह उत्तर की शुरुआत है, वैद्य मित्रम हितप्रद ही होगा, ऐसा गुरुओं का विश्वास है। मैं परम सुहासित भागों से विश्वास दिलाते जाता हूँ, मैं परम सुहासित भावों से विश्वास दिलाते जाता हूँ, वैद्य मित्र है सच्चा साथी, यह तुमसे कहते जाता हूँ। जब भी विपदा आन पड़े, ध्यान से सुनिए, जब भी विपदा आन पड़े या व्याकुल मन घबराए, जब भी विपदा आन पड़े या व्याकुल मन घबराए, राह पकड़ना वैद्य मित्र की, यह हम सबको राह दिखाए। जब भी विपदा आन पड़े या व्याकुल मन घबराए, राह पकड़ना वैद्य मित्र की, यह हम सबको राह दिखाए। मैं गुरु चरणों का ध्यान लगाऊं, मैं गुरु चरणों का ध्यान लगाऊं, श्री धन्वंतरी तुम्हें मनाऊं, मैं गुरु चरणों का ध्यान लगाऊं, श्री धन्वंतरी तुम्हें मनाऊं, महाकाल को भावों में भरकर मैं वैद्य मित्र बन जाऊं, मैं वैद्य मित्र बन जाऊं, मैं वैद्य मित्र बन जाऊं। आप सभी लोगों को बारंबार नमन। थैंक यू सुहास, जितना मीठा तुम्हारा नाम उतनी ही मीठी डीप मीनिंग वाली ये कविता जिसके माध्यम से तुमने आज वोट ऑफ थैंक्स दिया। थैंक यू सो मच। देखा आपने हमारा टैलेंट, ये यंग टैलेंट है हमारे आयुर्वेद का। अब इसी वोट ऑफ थैंक्स की कड़ी में मैं नेक्स्ट जिन्हें बुलाना चाहूंगी वो है डॉक्टर दिनेश कर्मा, जो आपके समक्ष वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर दिनेश। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और वैद्य मित्र परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये वैद्य मित्र परिवार जो कि मात्र 7 दिनों के लिए प्रारंभ हुआ था, आज देखते ही देखते कैसे 32वें दिन तक पहुंचा, इसका श्रेय आप सभी को जाता है। और सबसे बड़ा श्रेय हमारे भीष्म पितामह जो इस ग्रुप के हैं, आदरणीय डॉक्टर APS चौहान सर, डॉक्टर बबीता शर्मा मैम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हम जैसे नवीन वैद्यों को मौका दिया यहाँ पर बोलने के लिए, सबसे मिलने के लिए, सबसे बातें करने के लिए। और हम सभी की एक उम्मीद होती है, कॉलेज से बहुत दिन हो जाते हैं छूटने के बाद, तब की काश एक दिन के लिए वापस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, और आप दोनों के माध्यम से हमें पूरे 32 दिन और आपके सानिध्य में कॉलेज की पढ़ाई का जो अनुभव है वो फिर से मिला। इसके साथ ही हमारे जो मॉडरेटर्स रहे हैं अलग अलग लेक्चर्स में, जो 32 लेक्चर्स हुए हैं हमारे डेली, उनमें जो मॉडरेटर्स हैं उनको मैं बहुत अंतर्हृदय से धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ। इसमें डॉक्टर प्रशांत मठ सर, डॉक्टर नीरज व्यास सर, डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैम, डॉक्टर रोशनी वर्मा, डॉक्टर संदीप राणे, डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, डॉक्टर आशीष वैद्य, डॉक्टर आशी वैद्य, डॉक्टर रंजीत नारंग सर, डॉक्टर विभूति मैम, डॉक्टर गौरव वर्मा सर, डॉक्टर सुहास यादव, डॉक्टर शीतल सोलंकी जी, डॉक्टर सचिन जी, डॉक्टर प्रज्ञान जी, डॉक्टर शाहनवाज जी, और सबसे विशेष जो हम सब लोगों ने एक एक करके इस प्रोग्राम में मॉडरेटर की भूमिका निभाई, लेकिन जो रोज रोज एक विशिष्ट प्रतिभा इस कार्यक्रम में हम लोगों को दिखाई दी, और जिसने हम सभी को इस पूरे 32 दिन इस प्रोग्राम में जोड़ के रखा, और जिसकी मधुर आवाज से सारे प्रोग्राम्स प्रारंभ हुए और समापित हुए, ऐसी विशिष्ट प्रतिभा डॉक्टर प्रतिभा पांडे, आप सभी का अंतर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और हम उम्मीद करते हैं कि फिर से मिलना होगा और फिर से ज्ञान का आदान प्रदान जो है वो इस वैद्य मित्रम श्रृंखला के माध्यम से चलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू दिनेश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एक मीठी सी डोर, मधुर वाणी वाली प्रतिभा ने हम सबको बांध के रखा शुरू से आखिरी तक। और अब इसी वोट ऑफ थैंक्स की श्रृंखला में नेक्स्ट मैं जिन्हें बुलाना चाहूंगी वो हैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव। डॉक्टर सुमित। सभी को नमस्कार, सभी गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श।
बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। पहले जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि सिर्फ 7 दिन के लिए हम लोगों ने शुरू किया था यह कार्यक्रम, और लेकिन ये जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो आप लोगों थे, आप लोगों ने ये ऊर्जा दी इस पूरी टीम को कि हम इसको और आगे बढ़ाते गए और 32 दिनों तक लगातार यह कार्यक्रम चलना अपने आप में एक तरह से आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। आप लोगों से जो ऊर्जा मिली है, जैसे कहते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है कि जब दोनों एक दूसरे को खींचते हैं तभी वो साथ में बंधे रह सकते हैं, अगर कोई एक ही ऊर्जा लगाएगा तो वो साथ में नहीं बंधे रह पाएंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण जैसा था कि हम भी आपकी तरफ आकर्षित थे और आपके प्रेम से जो ऊर्जा मिल रही थी उस ऊर्जा के माध्यम से हम जुड़े रहे। इस कार्यक्रम के जो संयोजक रहे हैं सारे, डॉक्टर बबीता मैम, चौहान सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि वो भीष्म पितामह हैं इस पूरे कार्यक्रम के, आशीष पाल का मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा अर्पण आयुर्वेद का कि उन्होंने टेक्निकली जिस तरह से इसको सपोर्ट किया, डॉक्टर रोशनी उन्होंने यूट्यूब पे लगातार, जैसा कि आपने अभी भी देखा कि वो ड्यूटी पर है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगातार इसका टेलीकास्ट यूट्यूब के माध्यम से करती रही। तो ये पूरी टीम बड़ी सुंदर बनी, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि सुंदरता एक तरफा नहीं होती, आपने हमें वो ऊर्जा दी, आप सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया इस कार्यक्रम में या जिन्होंने भी देखा, जितने भी व्यूज आए हैं उन सभी का मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से हृदय के तलों से धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने ये जो प्रेम, ये जो विश्वास हम पर जताया है, दिखाया है, इसे हम सदैव बरकरार रखेंगे और कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कुछ प्रस्तुत करते रहें। जैसा कि सभी ने कहा कि ये 32 दिनों में समाप्त नहीं हो रहा है, यह एक पड़ाव है, इसके बाद हम एक नई और शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम को, इस ज्ञान की धारा को और आगे लेकर के जाएंगे। एक बार फिर मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर सुमित, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर स्टेडियम में ऑडियंस ना हो तो मैच खेलने का मजा ही नहीं। हमारे जोश को बरकरार रखने में हमारे ये वैद्य मित्रम के जितने ऑडियंस हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी वोट ऑफ थैंक्स की कड़ी में एक और यंग एनर्जेटिक डॉक्टर से आपको मिलवाना चाहूंगी, वो है डॉक्टर गौरव। डॉक्टर गौरव प्लीज आप आए। डॉक्टर गौरव हो सकता है लिंक नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर शहनवाज भी हमारे साथ हैं। यस डॉक्टर शहनवाज, मौसम की खराबी है, देखते हैं यदि कनेक्ट होंगे तो उनसे भी हम दो शब्द चाहेंगे कि बोले वो बताएं। चलिए मैडम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ाती हूँ और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे भीष्म पितामह डॉक्टर एपीएस चौहान, तो इसी तरीके से अगर मैं गलत ना कहूं तो इस पूरे वैद्यम परिवार की गॉड मदर डॉक्टर बबीता शर्मा, उन्होंने ही इस पूरे पिक्चर का टेबल बंद कर दिया। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ थोड़ी कम आ रही है मैडम, थोड़ा सा कम आ रही है। जी बोले बोले प्लीज। जी हमारी पूरी मूवी की डायरेक्टर डॉक्टर बबीता शर्मा से अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम सारी चीजों को मिला के इसका एक अच्छा सा वोट ऑफ थैंक्स आप सबको दे। थैंक यू मैम। मैम प्लीज आप आ जाओ। थैंक यू प्रीति, इतना अच्छा आप बोलती हैं, इतने मतलब वाक्पटुता है आप में कि आपके बोलने से या आपके आमंत्रण से दिल खुश हो जाता है कि कुछ अच्छी बात हम भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा पड़ाव ये आज हमारा इस पूरे वैद्य मित्रम की जो हमारी ट्रेन चली थी, छुक छुक गाड़ी चली थी, वो आज अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सभी बातें हमारी टीम ने आपके साथ कर ली और वही बात मैं फिर दोहराऊंगी कि ये एक पड़ाव है, इसके बाद भी हम कुछ बीच बीच में सीरीज लेकर आते रहेंगे। उन सीरीज में क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड बातें होंगी, उस सीरीज में हमारे जो
क्लिनिक्स या आईपीडी सेटअप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिन वैद्यों के वो लाइव सर्जरी या लाइव केसेस आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। इस सीरीज में हम इंटर्नशिप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यदि जाकर प्रायोगिक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी टीम के जो वैद्य हैं वो वहां पहुंचकर उनके यहाँ रहकर उनके यहाँ गुरु शिष्य परंपरा की तरह निःशुल्क आप शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यानी वो सारे प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं जो हमारे नए जो युवा वैद्य हैं उन सबको चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट जिनको कह सकते हैं आप, वो सब हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऐसा अच्छा ऐसा एक पॉजिटिव थॉट लेकर हम चल रहे हैं, और ये पॉजिटिव थॉट तभी पूरा हो सकेगा जब हमारी टीम मजबूत होगी। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे इस पूरे एक महीने के या 32 डेज का ये जो सेशन चला है लर्निंग सेशन, उसमें हमारे छोटे बड़े सभी वैद्य मित्रम टीम के सभी सदस्यों ने अपना जी भर के पूरा योगदान दिया है। तो मेरा फर्ज बनता है मैं आज इन सबको थैंक यू बोल पाऊं, और उसमें मैं हमारे जितने भी कोलीग हैं, डॉक्टर चौहान सर, डॉक्टर प्राची दलवी कवठेकर मैडम, डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैडम, डॉक्टर नीरज व्यास सर, डॉक्टर सतीश अग्रवाल सर, ये सारे सीनियर्स जो हमारे साथ जब भी हम, डॉक्टर मंजू भंडारी मैडम, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगी कि जो जब भी मैं चाहती हूँ ऐसा कोई प्रोग्राम हो, ऐसा पॉजिटिव थॉट लेके हम कुछ करें, वो हमेशा निस्वार्थ भावना से हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ युवा जितने भी हमारे वैद्य हैं, डॉक्टर शहनवाज, डॉक्टर शीतल सोलंकी जी, जिन्होंने एनोरेक्टल सेशन हमारे लिए बहुत अच्छे और जिसको बहुत प्रतिसाद मिला, या क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें डॉक्टर संदीप राणे जी हैं, डॉक्टर दिनेश कर्मा, डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, डॉक्टर सचिन चौहान, डॉक्टर प्रज्ञान, डॉक्टर गौरव वर्मा, इन्होंने बहुत अच्छे सेशंस लिए। बाल रोग की बात करें तो डॉक्टर सुहास यादव सर हैं, मॉडरेटर की भूमिकाएं जगह जगह निभा रही, टेक्निकल सपोर्ट कर रही हमारी बहुत ही युवा और बहुत ही प्रतिभाशाली डॉक्टर रोशनी वर्मा जी, डॉक्टर अनुरुचि, मैं किस किस के नाम लूं, सारे हमारे जो वैद्य मित्रम के रत्न है, डॉक्टर आशी वैद्य, डॉक्टर प्रतिभा पांडे जो हमेशा इस पूरे प्रोग्राम को चार चांद लगाती हैं, कुछ नाम मैं शायद भूल भी सकती हूँ तो मैं आप ऐसा ना माने, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दूंगी। और एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट भी आपको मैं करना चाहती हूँ। अनाउंसमेंट कुछ ऐसा है कि अभी तक हम ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलके, यानी हम हमारे पीछे सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स थे और हम ये वैद्य मित्रम का एक ताना बाना बुनकर आगे बढ़ रहे थे। खुशी की बात यह है कि वैद्य मित्रम की टीम के ही हमारे कुछ युवा सदस्यों ने ये एक थॉट डेवलप किया और बताया, जो एक बहुत पॉजिटिव थॉट है। उन्होंने कहा कि हम इस वैद्य मित्रम टीम को ही एज ए ऑर्गेनाइजर हम सारे अगले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हम सुगठित तरीके से, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में हम इसको करेंगे, और ऐसे ही सेशन आपकी डिमांड पर भी लाएंगे, और आप जो भी चाहेंगे जैसे भी चाहेंगे हम आपकी इस प्लेटफॉर्म से मदद करेंगे। मदर इन द सेंस आपको नॉलेज पर्पस से चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो और इसकी सूचनाएं, इसकी जानकारियां आपको तरह तरह के माध्यम से देते रहेंगे। फेसबुक पेज भी हमारा वैद्य मित्रम का हम बनाएंगे, और भी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर भी आपको ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस हमारी वैद्य मित्रम की जो गठित टीम है उसको अनाउंस करूंगी मैं, और खुशी के साथ बड़े हर्ष के साथ। तो ये वैद्य मित्रम का आज से ऑफिशियल औपचारिक गठन होता है, और जिसका सौभाग्य मुझे मिला है इस समिति का या इस टीम को अनाउंस करने का, तो इसका जो अध्यक्ष पद यानी प्रेसिडेंट रहेंगे जिस पूरे कार्यक्रम का आगे भी संचालन करेंगे वो है डॉक्टर संदीप राणे, जो खरगोन से हैं और हमेशा इन सब कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो सामाजिक उपयोगी काम है, आयुर्वेद को बढ़ाने का काम है। उसके साथ उपाध्यक्ष पद पर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर आशी वैद्य, जो विदिशा में बहुत अच्छी प्रैक्टिस और योगा थेरेपिस्ट का काम करती हैं, देख रही हैं, दायित्व निभा रही हैं, वो फिर से हमारे साथ इस वैद्य मित्रम की आगे की कड़ी में जुड़ेंगी उपाध्यक्ष के रूप में। सचिव के रूप में हमारे, आप सबने देखा है, बहु प्रतिभा के धनी है हमारे डॉक्टर दिनेश कर्मा, जो समय समय पर आपके साथ जुड़ रहे थे और अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक आपको सेशंस दे रहे थे, तो वो सचिव की भूमिका में रहेंगे आगे के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ सह सचिव के रूप में डॉक्टर सुहास यादव,
रहेंगे, ये भी बहु प्रतिभा के धनी हमारे वैद्य मित्रम के रत्न है। इसके साथ साथ जो इस पूरे प्रोग्राम में आप सब जानते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें हमको एक कोषाध्यक्ष की भी बहुत जरूरत होती है, जो ये जो प्रबंधन कर पाए इन सारे कार्यक्रमों को करने के लिए, स्पॉन्सरशिप कहना चाहिए। तो उस पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष पाल रहेंगे ट्रेजरर की भूमिका में, और ये पूरी टीम, यंग टीम आपने देखा है, साथ में रहेगी। और इनके पैटर्न के रूप में हम सभी, मैं सभी से आग्रह करूंगी जो हमारे सीनियर्स हैं, डॉक्टर चौहान सर, डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैडम, कि हम पैटर्न के रूप में इन सबके साथ सहयोग देंगे, और पूरी टीम जो हमारी रहेगी वो सब इसके साथ जुड़ी रहेगी। डॉक्टर प्रशांत तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। डॉक्टर प्रशांत तिवारी हमारे स्नेह आमंत्रण पर जब भी हम उनसे आग्रह करते हैं आते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। इस पूरे सेशन में एक जो बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक सफर रहा, साथ ही साथ जो पैरेलल चला है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की जो सेशन हमने ऑर्गेनाइज किए, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम लोगों ने प्लान किए थे, और उसको उसके सफल संपादन जो किया, स्मूथ कंडक्शन जो किया डॉक्टर प्रशांत मठ सर के, को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और डॉक्टर रंजीत नारंग सर को जिन्होंने साथ दिया और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम किया, तो और वो आगे भी करेंगे, आगे भी ये सेशंस हम लेते रहेंगे। कहना चाहिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे इस वैद्य मित्रम परिवार की सबसे छोटी सदस्य, यंगेस्ट, जो आप सभी जिनकी आवाज से, जिनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से हमारी आरजे हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज करने से पहले जो स्टार्टअप देती है हमको, हमको किक देती हैं, वो है डॉक्टर प्रतिभा पांडे। उनको बहुत 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 आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार पूरी टीम की ओर से, वो आगे भविष्य में बहुत उन्नति करें, और वैद्य मित्रम जब भी उन्हें बुलाए वो हमारे साथ आए। इसके साथ ही सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने महीने भर तक हमारे इस प्रोग्राम को सुना, देखा और अच्छी अच्छी रिएक्शंस दी। और लास्ट में मैं यही कहूंगी आपसे कि सपने तो सपने होते हैं, सपनों का आकार नहीं होता, सपने तो सपने होते हैं, सपनों का आकार नहीं होता, अपने तो अपने होते हैं, अपनों का आभार नहीं होता। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और ऐसे ही कुछ सकारात्मक कार्य करते रहें, ताकि ये जो कोरोना का जो वैश्विक महामारी का जो समय चल रहा है, विपरीत समय चल रहा है, उसको अच्छे से काटें और आसपास भी अच्छे से कहना चाहिए पॉजिटिव माहौल बनाकर रखें। धन्यवाद। मैं प्रीति की तरफ माइक करती हूँ। प्रीति आप आगे बढ़ाएं इसको। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू बबीता मैम, आपकी इस पॉजिटिव बातों से शायद मुझे लगता है डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैडम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। आ रही है? हाँ आ रही है मैडम, आ रही है। आवाज आ रही है? कैरी ऑन। जी जैसा कि मैम ने हर बार अपनी बातों में कहा कि हम लोग सीनियर हैं, बिलीव मी कि हमारे समय में ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा, शायद ये सब तब हुआ होता तो आज कुछ और होते हम। तो आप लोग लकी हैं कि मैडम जैसे सोचने वाले और चौहान सर जैसे गाइडेंस देने वाले आपको मिले हैं। तो हम बिल्कुल मैडम की बात को रखते हुए ये अश्योर करते हैं आपको कि ये वैद्य मित्रम सीरीज यूं ही आगे चलती रहेगी, समय समय पर आपको कुछ कुछ नया सीखने मिलेगा। और इसी के साथ मैं भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जी प्रीति मैडम। हाँ प्रतिभा, आप ओवर टू यू, बहुत कनेक्शन जा रहा है, तुम संभालो, चलो। ओके मैम, ओके। तो मिले आप सभी मेरे परिवार से, है ना शानदार परिवार, खुश नसीब वालों को मिलता है ऐसा परिवार, और लाखों में एक होता है ऐसा परिवार। मैं भी खुश नसीब हूँ, तो चलिए अब मैं शुक्रिया कह देती हूँ।
सबसे पहले मैं डॉक्टर एपीएस चौहान सर का, डॉक्टर बबीता शर्मा मैम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप दोनों ने मुझे ये अवसर प्रदान करा, मुझ पर इतना विश्वास जताया, मुझे इतने बड़े बड़े वैद्यों के साथ एक मंच साझा करने का यह अवसर प्रदान करा। मैं जो कुछ भी अच्छा बोल पाई या कर पाई सब आपके आशीर्वाद की वजह से था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। साथ ही मैं इन 32 दिनों में हमारे विशेष वक्ताओं के रूप में, हमारे मॉडरेटर्स के रूप में जितने भी वैद्य यहाँ पर जुड़े, आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी को मैं शुक्रिया कहती हूँ कि आप सभी ने मेरा इतना उत्साह वर्धन किया, जितनी शायद मैं काबिल भी नहीं हूँ उससे ज्यादा आपने मुझे स्नेह दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। यही आशीर्वाद आप हमेशा मुझ पर बनाए रखेंगे, यही मेरी कामना है और यही मेरी प्रार्थना है। चलिए इसी के साथ मैं कुछ लाइंस के साथ आपको छोड़ जाना चाहती हूँ कि सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अब मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि कल शाम को 6:30 बजे दोबारा मिलती हूँ, पर मैं यूं भी नहीं कहूंगी कि मैं आपसे अब कभी नहीं मिलूंगी। कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पर हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आयुर्वेद के प्रति अपना समर्पण दिखाते रहें, कुछ मजेदार करते रहें। भगवान धन्वंतरी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जयतु आयुर्वेद।